मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लीना होता है। लीना को एक आइसोलेटेड रूम में रखा जाता है। कुछ लोग पीपी किट पहन के उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि लीना आप बताएं कि आपने खाना कब खाया था। लीना बोलती है मैं डेली खाना खाती हूँ। वो मैन लीना से पूछता है कि आप 5 लोग गए थे, बस एक आप ही हो जो वहाँ से जिंदा लौट के आए हो, ये कैसे हुआ जरा आप हमें बताओगे। लीना के साथ जो हुआ लीना वो बताती है। लीना एक बायोलॉजिस्ट होती है, साथ ही एक टीचर होती है जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही होती है। लीना वहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम डैनियल होता है। वो उसे डिनर के लिए पूछता है बट वो मना कर देती है। लीना अपने घर आ जाती है। लीना घर बैठे बहुत उदास होकर रोने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड का वो दिन याद करने लगती है जिस दिन वो मिशन से लौट के आया था। लीना के हस्बैंड का नाम कैन होता है। कैन काफी अच्छी बिहेव करने लगा था। कैन ग्लास में पानी पीता है, तभी लीना को ग्लास में खून दिखाई देता है। कैन की हालत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर बीच रास्ते में एम्बुलेंस को रुकवा लिया जाता है। सीक्रेट एजेंसी आती है, लीना और कैन को वहां से निकाल लेती है। लीना को बेहोश कर दिया जाता है। लीना जब होश में आती है तो अपने आप को एक रूम में पाती है। लीना के सामने एक लेडी होती है जिसका नाम डॉक्टर विंट्रेस होता है। डॉक्टर विंट्रेस लीना को एक मिशन पे भेजने की बात करती है। डॉक्टर विंट्रेस लीना को बताती है तुम्हारा हस्बैंड भी हमारे लिए काम करता था और अभी मैं तुम्हें सीक्रेट मिशन के लिए भेज रही हूँ और हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम एक बायोलॉजिस्ट हो तो तुम्हारी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बाहर एक गोला सा बन गया है, बस हमें उसी के अंदर पता करना है कि वहाँ क्या चल रहा है। लीना बाहर आती है, उस गोले को देखती है, वो चमक रहा होता है। डॉक्टर विंटर्स लीना को सारा एरिया समझा देती है। आखिरी बार लीना अपने हस्बैंड से मिलती है। वहाँ में दिखाया जाता है कि लीना की तरह और 4 साइंटिस्ट को लाया जाता है। 5 लेडीज अपने मिशन के लिए निकल जाती हैं। मिशन का नाम होता है द शिमर, उस गोले को शिमर बोला जाता है। 5 लेडीज अंदर आ जाती हैं। वो बहुत सुंदर जंगल होता है, वो देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बट अंदर आकर उन्हें पता लगता है कि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम करने बंद कर चुके हैं, उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा होता है। अब वो अपने अकॉर्डिंग ही इस एरिया को एक्सप्लोर करती हैं। वहाँ पानी के पास उन्हें एक घर दिखाई देता है, वो उसके अंदर जाके देखती हैं। लीना फूलों का सैंपल ले रही होती है। जो सी उस घर में होती है अचानक उसे कोई अंदर अपनी तरफ खींच कर ले जाता है। सारी लेडीज अंदर आती हैं। जोशी को पानी और उस घर से बाहर लाया जाता है। तभी वो देखती बड़ा क्रोकोडाइल उनकी तरफ आ रहा है। वो लोग गोलियों से अटैक करते हैं बट उसे कुछ नहीं हो रहा होता है। ऐसे ही क्रोकोडाइल लीना के पास आता है। लीना धड़ाधड़ गोलियां चलाती है जिससे वो क्रोकोडाइल मर जाता है। लीना क्रोकोडाइल के टीथ का सैंपल लेती है क्योंकि इसके टीथ कुछ अलग ही थे, जैसे क्रोकोडाइल के होते वैसे नहीं थे। वो लोग वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं। लीना की एक साथी जिसका नाम कैश होता है उसे पूछती है कि तुमने गोलियां चलाना कहाँ से सीखा। वो बताती है कि पहले मैं आर्मी में थी। नदी क्रॉस करके वो लोग एक फोर्ट अमाया में आ जाते हैं। वहां आकर वो एक कॉलेज के अंदर आते हैं। वहां उन्हें टेबल के ऊपर एक टेप रिकॉर्डर और एक वीडियो मिलता है जिसे वो लोग देखते हैं। वीडियो में दिखाया जाता है कि एक मैन दूसरे मैन का पेट काट रहा है और उसे चीज देता है। उसके अंदर एक अजीब सा चीज चलते हुए दिखाई देता है। वो सब लोग कॉलेज के पूल में आके देखते हैं कि वो चारों लोग वहीं पर हैं और पूरी तरीके से उन्हें फंगस ने खाया हुआ है। लीना उसका भी सैंपल लेती है और वो लोग सैंपल लेके वहां से निकल जाते हैं। रात होती है, वो एक पावर हाउस में रुकते हैं। बारी बारी करके वो लोग पहरा देते हैं। लीना और उसकी फ्रेंड पहरा दे रहे होते हैं तभी अचानक एक बड़ा भालू आता है और उन पे अटैक कर देता है और उनकी एक फ्रेंड को वहां से ले जाता है। सुबह होती है, डॉक्टर विंटर्स भी इनके साथ आई हुई होती है और जो लोग बचे हुए थे उनके बीच बहस हो जाती है। खुशी और आनिया इस सफर में आकर नहीं जाना चाहती थी। डॉक्टर विंटर्स अकेले ही सफर के लिए निकल जाती है। लीना अपने बाकी 2 साथियों से बात करती है और वो लोग भी सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि सभी मैन वुमेन बच्चे सब लोग पौधों में बदल गए हैं, पेड़ बन गए हैं। लीना उनका सैंपल भी कलेक्ट करती है। उसी भी इस सब की जांच करती है और बताती है कि एक दिन सब ऐसे होने वाले हैं, जानवर जीव जंतु और इंसान सब पौधों में बदल जाएंगे। वो लोग एक घर में जाते हैं और रेस्ट करने के लिए वह रुक जाते हैं। लीना जो मैन पौधों का सैंपल लेके आई थी
उन्हें जांच करती है, बट अचानक पीछे से कोई आके उन्हें बेहोश कर देता है। वो अपने आप को चेयर पे बंधी हुई पाती है। तीनों बंधी हुई होती है और एक सामने होती है। ये सब उसी ने किया हुआ होता है। एक्चुअली एक स्कूले की एक और बात होती है कि यहाँ के सब लोग पागल हो जाते हैं। वो भेड़िया भी उनका पीछा करते हुए उस रूम के अंदर तक आ जाता है। उसी अपनी गन निकालती है और उस पर वार करने लगती है, बट वो उसे मार देता है। फिर वो भेड़िया एक एक करके तीनों के पास आता है। वो उनकी स्मेल लेने की कोशिश करता है, बट वो लोग एकदम शांत बैठे हुए होते हैं। उसी जख्मी हालत में उठ के आकर भेड़िया पे गोलियां चलाने लगती है। भेड़िया उसकी तरफ आता है और उसे नोच नोच कर पूरी तरीके से खा जाता है। अब वो भेड़िया तीनों पे अटैक करने के लिए आता है, तभी आनिया अपनी गन लेती है और भेड़िए को पूरी तरीके से मार देती है। भेड़िए ने डॉक्टर विंटर्स को भी मार दिया था। वो दोनों वहां से बाहर निकल के आ जाती हैं। दोनों बाहर आकर बैठ के बातें करने लगती हैं। आनिया लीना को अपना हाथ दिखाती है, उसे इन्फेक्शन हो चुका था। आनिया उठकर जंगल की तरफ जाती है और धीरे धीरे वो भी एक पौधा, एक पेड़ बनने लगती है। लीना उसका पीछा भी करती है, बट वो आकर देखती है कि वहाँ तो सभी पौधे बने हुए थे, पेड़ बने हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनाया कौन सी है। वो अपने सफर पे आगे अकेली निकल जाती है। समुद्र के पास लीना को बड़े बड़े क्रिस्टल के पेड़ दिखाई देते हैं। सामने लीना को लाइट हाउस दिखाई देता है। लीना लाइट हाउस के अंदर जाती है। लीना लाइट हाउस के अंदर आती है, उसे जमीन के अंदर एक होल दिखाई देता है। उसके पास जाती है तो उसे एक मैन दिखाई देता है जो बैठा हुआ जला हुआ होता है। वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डर रखा हुआ होता है। लीना उसे देखती है। लीना को वीडियो के अंदर कैन दिखाई देता है और वो अपने आप को एक बम से विस्फोट कर लेता है और उसी विस्फोट पे वहाँ पर होल बन जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैन था, बट उसके सामने एक और कैन खड़ा हुआ होता है। लीना ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और होल में जाने का डिसाइड कर लेती है और वो अंदर आ जाती है। लीना अंदर आकर देखती है, वहाँ उसे डॉक्टर विंटर्स दिखाई देती है। डॉक्टर विंटर्स बोलती है, आओ लीना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लीना बोलती है, डॉक्टर विंटर्स आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोलती है कि यही तो जीवन की असली सच्चाई है। अचानक डॉक्टर विंटर्स के अंदर से पूरा ब्रह्मांड मानो जैसे बाहर निकल के आ जाता है और वो एक हड्डियों के ढांचे में बदल जाती है और एक गोला जैसा बन जाता है उसके सामने। लीना उसके अंदर देखती है, उसे दिखाई देते हैं कि एक में से दो, दो में से तीन जीवाणु बन रहे हैं और एक पूरा मैन जैसा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो एक एलियन होता है जिसका नाक मुंह कुछ भी नहीं होता है। लीना डरकर बाहर आ जाती है। जैसे वो बाहर आ जाती है वो उसके सामने खड़ा होता है। वो एकदम उसके जैसे एक्ट कर रहा होता है, ऐसे मानो कि ये लीना का क्लोन है। लीना वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है बट नहीं निकल पाती। अब लीना को समझ आ जाता है कि ये जैसे मैं करूंगी ये वही करेगा। लीना उससे दोस्ती करने का नाटक करती है। लीना बॉम्ब हाथ में लेती है और वैसे ही सेम वो एक्ट करता है। लीना जैसे ही एलियन के दोनों हाथ टच करती है वो लीना का ही रूप ले देता है, एकदम लीना ही होती है। लीना एक्सप्लोशन करके वहां से भाग जाती है, बट एलियन अभी तक मरा नहीं होता है। लीना लाइट हाउस से बाहर आ जाती है और वो एलियन उस लाइट हाउस की जड़ों में ही आग लगा देता है, जिससे वो आग पूरे लाइट हाउस में फैल जाती है। लाइट हाउस के अंदर से ही सारे गोले की जड़ें जा रही होती हैं। जैसे जैसे अंदर की तरफ आग फैलती है धीरे धीरे गोला हटने लगता है और पूरी तरीके से फाइनली गोला पूरे शहर से हट जाता है। लीना अपनी कहानी से बाहर आती है और बताती है ऐसे में अकेले ही बच पाई। लीना के सारे चेकअप किए जाते हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं होती। उसे उसके हस्बैंड केन से मिलाया जाता है। केन अब ठीक हो चुका था। दोनों हग करते हैं। केन की आंखों में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, वही रोशनी लीना की आंखों में भी दिखाई देती है। यहाँ हमें पता लगता है कि ये दोनों क्लोन होते हैं, ये दोनों एलियन क्लोन्स होते हैं। यानी लीना और केन वो मर चुके हैं। मूवी यहाँ एंड होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।